So good evening students, today we are making a new video for our YouTube channel, the name is Knowledge Accelerator. Today we are discussing about chapter 4, carbon and its compound. तो जो ये chapter है carbon and its compound, organic chemistry का एक important chapter है और इस chapter से हम बहुत maximum marks gain कर सकते हैं अपने exam में. तो चलिए शुरू करते हैं video. इसको शुरू करने से पहले वही है, हमारा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितनी ज़्यादा हो शेयर करें. तो बेटा जैसा कि चैप्टर का नाम है इसका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इस चैप्टर में हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे. और जो कार्बन है वो एक वर्सेटाइल नेचर है, यानी कि हमें कार्बन एवरीथिंग, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में हमें कार्बन की अमाउंट देखने को मिलती है. जैसे ह्यूमन बींग्स में कार्बन किसकी फॉर्म में है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, तो वो सारे के सारे उसमें एक असेंशियल कंपोनेंट होता है कार्बन. तो शुरू करते हैं. कार्बन की जो नेचर है वो वर्सेटाइल है. वर्सेटाइल का मतलब होता है इट इज फाउंड इन वेरी मच अमाउंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, कार्बन भी एक एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो सारे के सारे हमें जो इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं. अर्थ क्रस्ट का मतलब होता है वी कैन ऑब्टेन देम फ्रॉम द सरफेस, इनर सरफेस ऑफ द अर्थ. तो जो कार्बन की अमाउंट है अर्थ सरफेस में वो 0.02, इट इज़ वेरी लेस, बट स्टिल इट इज़ फाउंड इन वर्सेटाइल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो एक सरप्राइजिंग थिंग है कि इसकी अमाउंट अबंडेंट फॉर्म में सिर्फ 0.02% है, लेकिन ये और भी मिलता हमें किसकी फॉर्म में, मिनरल्स की में. मिनरल्स क्या होते हैं, जो हमें दूसरे कंपाउंड्स के साथ में, दूसरे एलिमेंट्स के साथ में मिलते हैं, उनको बोलते हैं मिनरल्स. जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन हमें किसकी फॉर्म में मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, यहाँ पे कंबाइन हो रहा ऑक्सीजन के साथ. कार्बन किसकी फॉर्म में मिलेगा, CaCO3. ये क्या है, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, संगमरमर का पत्थर बोल देते हैं. और बहुत सारी फॉर्म हैं, जैसे हमें कार्बन किसकी फॉर्म में मिलेगा, यूरिया की फॉर्म में. तो यूरिया क्या है, एक फर्टिलाइजर है. अगला पॉइंट आता है बेटा, जितने भी हमारे लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे के सारे कार्बन बेस्ड हैं, यानी कि जो भी लिविंग चीज़ें हैं, जो सेल है, सबसे पहले जो सेल का न्यूक्लियस होता है उसमें आरएनए डीएनए होता है, तो दे आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन कार्बन. तो जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं हमारे, वे कार्बन के बेस्ड होते हैं. अब कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं कार्बन. तो जैसा मैंने बताया, कार्बन पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करें तो 2-4 है. वैसे इसका एटॉमिक नंबर 6 है. जब भी हम सेल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस आता है. न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. और जो हमारी सेल होती हैं, फर्स्ट सेल जिसको हम K से डिनोट कर देते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2. उसके बाद में सेकेंड में आते हैं हमारे 8, लेकिन एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का, 6. इस वजह से 2 और कितने हो गए, 4. यानी कि अब इसको भरने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 4 की. यानी कि अगर ये 4, जब हम इसको इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इनर्ट गैस लेंगे, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन या तो ये लेगा या फिर इसको रिमूव करेंगे. तो इसको लेने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए या रिमूव करने के लिए हमें क्या है, बहुत ही लार्ज रिक्वायर अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं होता. इसलिए ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ में अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, और जो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की उसको बोलते हैं कोवेलेंट. तो कार्बन की जो प्रॉपर्टी है वो कोवेलेंट होता है, यानी कि ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ में अपनी शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की. लास्ट में, इट वुड डिफ़िकल्ट टू एन एटम टू कार्बन आइदर गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है ना लूज कर सकता है. सो ओनली क्या करेगा, ये शेयरिंग. तो जितने भी हमारे कोवेलेंट बॉन्ड हैं वो शेयरिंग के साथ बनते हैं. सो जैसा मैंने बताया बेटा अभी, कि जो कोवेलेंसी है कार्बन की वो सिर्फ शेयरिंग से होती है इलेक्ट्रॉन से.
अगर ना तो ये गेन करेगा ना ये लूज करेगा। गेन और लूज किस में करते हैं हम? आयोनिक कंपाउंड्स में, जहां पे हमारा एक पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन होता है। इस चैप्टर को वी विल डिस्कस लेटर। अब आते हैं इसमें बेटा, कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो शेयरिंग से होती है, यानी कि ये अपने साथ के जो दूसरे एटम्स होते हैं, दूसरे एलिमेंट्स के, जैसे दूसरे एलिमेंट हैं हमारे हाइड्रोजन, जिसका सिंबल H होता है, फर्स्ट होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। दूसरा बेटा ऑक्सीजन के साथ भी, नाइट्रोजन के साथ भी, क्लोरीन के साथ भी, और बहुत सारे जो जितने एलिमेंट होते हैं उनके साथ में ये अपने बॉन्ड शेयर करता है। शेयरिंग सिर्फ किसकी करेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की करेगा। अब हम देखते हैं जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं। सबसे पहले मान लीजिए हम कॉन्फ़िगरेशन करें नाइट्रोजन की, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले नाइट्रोजन का देखेंगे हम एटॉमिक मास 7। जैसा हमने बताया, फर्स्ट सेल में नोबल गैस अटेंड करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, दूसरे में 8 की, और 2 और 5, यानी कि जहां पे इसका एटॉमिक नंबर आ जाए उसको क्या कहते हैं हम, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यहां पे पूरा ऑर्बिट फिल है और इसमें जो जितने लास्ट ऑर्बिटल में हमारे जितने इलेक्ट्रॉन है इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसलिए हमारे पास नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। ठीक उसी तरीके से ऑक्सीजन का लें, ऑक्सीजन का लेने से अगर हम जैसे लेते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसकी जो हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2 और 4, इसमें जो 2 4 अगर हम करें 2 और 8, 2 और कितने आ जाएंगे? 6। तो इसमें कितने हो गए बेटा हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। तो यानी कि ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसलिए सिर्फ हम क्या करते हैं, लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 निकालते हैं। अब देखते हैं हमारे पास फॉर्मेशन कैसे कैसे बनती है H2 की, O2 की, N2 की। क्योंकि ये सारी की सारी हमारी गैसेज हैं इसलिए ये हमेशा डाई एटोमिक फॉर्म में ही लिखी जाती हैं। कभी भी हम सिंगल H नहीं लिखते, कभी भी O नहीं लिखते, कभी भी N नहीं लिखते, हमेशा हम इनको क्या लिखते हैं? डाई एटोमिक फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन की। हमारे पास पहले है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, और इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से या फिर डॉट से, दोनों से हम डिनोट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे किससे किया बेटा? इसको क्रॉस से। ऐसे ही दूसरा हमने हाइड्रोजन एटम लिया H, इसको भी किससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन? क्रॉस से। तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। जब आपस में शेयरिंग करेंगे, इस हाइड्रोजन का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ, इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ। जहाँ पे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होते हैं वहाँ पे हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन पे कौन सा बॉन्ड बनता है? सिंगल। अब करते हैं बात ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस, वो 6 होते हैं, 2 4 और 6। ऐसे ही अगर हम O2 की फॉर्मेशन करें तो हमें वी हैव टू टेक अनदर ऑक्सीजन एटम, जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जब शेयरिंग का मतलब होता है कि भाई अगर ये लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी नोबल गैस 8 को कंप्रोमाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो 2 4 और 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग कर दिए, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है ओवरऑल। 2 इलेक्ट्रॉन्स पे हमारा सिंगल बॉन्ड बनता है, इस 2 पे क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में क्या बना? डबल बॉन्ड। तो हम हमेशा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? डबल बॉन्ड बनाते हैं। सिमिलरली इफ वी टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हैज एटोमिक नंबर 7 एंड इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 5। तो 2 हमने ले लिए नाइट्रोजन एटम, और जब हम इसकी शेयरिंग करेंगे तो जो नाइट्रोजन एटम है 2 और 3 5 और 3 8, यानी कि जब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कब अटेंड करेगा? जब ये नाइट्रोजन एटम इसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये नाइट्रोजन एटम इसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो जब ये शेयरिंग होगी तो 2 इलेक्ट्रॉन पे कितनी बॉन्ड? 1, इन 2 इलेक्ट्रॉन पे 2, और इन 2 इलेक्ट्रॉन पे ट्रिपल बॉन्ड। तो हमेशा ये ध्यान रखना बेटा, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड फॉर्मेशन होता है? ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ठीक है जी। अगर हम देखते हैं, अब तक हमने बेटा पढ़े इसके बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में, अब हम अगली
जो हमारी वीडियो आएगी उसमें डिस्कस करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में, जो कि बहुत सारे वर्सेटाइल कंपाउंड्स बनाते हैं, हमारे अल्केन बनाते हैं, अल्कीन बनाते हैं और अल्काइन बनाते हैं। तो वेट करें, थैंक यू।